तुमने जो कुछ कहना है यहीं कह लो, घर तक मत चलो। पहले लोग हम जैसी लड़कियों को अच्छी नजरों से नहीं देखते। हटो प्लीज। लोगों की परवाह क्यों करती हो? मैं तुम्हें बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूँ, बल्कि बहुत अच्छी नजरों से देखता हूँ। तुम मुझे कितनी भी अच्छी नजरों से देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है लोगों की नजरों से, और मुझे उनकी परवाह करनी पड़ती क्योंकि मैं उनके दरमियान ही रहती हूँ। क्या कहने तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कहीं नहीं उनसे क्या कहना चाहती। हाँ, और जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है मुझे? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती। तुम मेरे सामने से क्यों तमाशा लगाते हो तुम? प्लीज अब ये बेकार की बातें बंद कर दो। मैं एक बार तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने अपने बारे में अब सोचना छोड़ दिया है। यही ना, तुम्हें फिक्र है अपनी अम्मी की, अपनी छोटी बहन की, कि कल को तुम्हारी शादी होगी तो उनका क्या होगा, है ना? यही सच है? यही सच है। मगर तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं इस दिल का क्या करूं? कुछ दिनों से तुम बात खोई खोई सी रहती हो। मैं देख रही हूँ काम करते करते कहीं भटक जाती हो। क्या बात है बेटा, मुझे नहीं बताओगे? नहीं अम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे। आप चले, मैं खाना लाती हूँ। जानती हूँ तुम क्या सोचती रहती। किसे तलाश कर रही हो? किसी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इतनी देर करती तुमने? मम्मी मैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां से फोन किया था मैंने तुम्हारे अस्पताल, वो कह रहे थे गाड़ी तो बहुत देर पहले तुम्हें लेके निकली है। किरण सो गई है? स्कूल जाना होता है उसने, उसके लिए इतनी देर तक जागना मुमकिन नहीं है। जानती हूँ मैं। जानती हूँ तो फिर देर से क्यों आती हो? पूछती रहती है वो तुम्हारा। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए मैं? रहने दें, कोई जरूरत नहीं है। कुछ अरसे से बहुत परेशान लग रही है। नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी। ये तो तय हुआ, मैं संभाल लूंगी। इसका मतलब है कोई बात जरूर है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। मुझे बहुत फिक्र रहती है ना तुम्हारी। माँ को अंधेरे में रखने वाली बेटियों की तरह मत बनो। जो भी सच है ना मुझे बता दो।
एक लड़का है इमरान। तंग करता है या मोहब्बत करता है? पता नहीं, कहता तो है मोहब्बत। कोई फिक्र वाली बात नहीं है ये तो। तुम? मैं तो मोहब्बत करने का सोच भी नहीं सकती। अभी तो मुझे किरण को पढ़ाना है, उसे उसके पैरों पर खड़ा करना है, उसकी शादी करनी है मुझे। क्या पागलों जैसी बातें कर रही? सो जाओ, थक गई हो कि तुम। और हाँ, उस लड़के से कहना कि कोई काम धंधा ढूंढे। ये रास्ते में मिलने वाले लड़के होते हैं, इनका क्या एतबार? और अगर एतबार हो तो? अब्दुर्रहमान, तुमने इतनी जल्दी भरकर अच्छा नहीं किया। अब अगर विनेश की शादी होती है तो हमारा, इसलिए मैं तुमसे कहती थी जो कमाते हो उसमें से कुछ बच्चियों के लिए भी बचाऊं, पर तुम्हें तो जैसे मर जाने पर यकीन ही नहीं था। दुख सुख के दरमियाँ। इसीलिए तुम मुझ पे एक एहसान करो, मेरे मकसद के रास्ते में मत आओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। और एक बात और, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। सिस्टर प्लीज जल्दी से, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, डॉक्टर अरसलान को बुलाइए। बीपी ऑपरेटर्स से आइए। मिस बेनिश, ये मैं इंजेक्शन लिख के दे रहा हूँ, ये आप फौरन मंगवा के लगवा दीजिए। अब सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। शाबाश बहादुर लड़की, जाओ जाके अपनी अम्मी के पास बैठो। मिस बेनिश, मुझे लगता है कि इन्हें हमें डॉक्टर सुभान की वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं डॉक्यूमेंट्स बनवा देती हूँ। दैट विल बी बेटर। वैसे भी डॉक्टर सुभान के आने का वक्त हो गया है, वो जो ही आते आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं उन्हें केस अपडेट कर दूंगा। ठीक है? ओके डॉक्टर। हाय विनेश, क्या बंदा है ये डॉक्टर अरसलान भी। हाँ, सच में अस्पताल की आधी नर्सें फिदा हैं उस पे। बकुमत, उन नर्सों में मैं शामिल नहीं हूँ। हाँ, वो क्यों विनेश? क्योंकि मैं एक पूरी नर्स हूँ, और एक पूरी नर्स अगर किसी से इश्क कर सकती है तो सिर्फ अपने काम से। क्यों, तुम इंसान नहीं हो? नहीं, मैं नर्स हूँ, सिर्फ नर्स। वाह, किस्मत के चक्कर भी निराले। वो डॉक्टर अरसलान सिर्फ तुम ही से अच्छी तरह बात करते, हमें तो मुंह भी नहीं लगाते। तो मुझे तुम दोनों की बिल्कुल समझ में नहीं आती, प्लीज मुझे काम करने दो, मेरा दिमाग मत चाटो। जाओ। चेक, बात तो बताओ, तुम्हें डॉक्टर अरसलान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते? मुझे तो सब डॉक्टर्स अच्छे लगते हैं। हाँ? तुम्हें वो खड़ूस, चांद मारा सुमरू भी पसंद है, वो भी अच्छा लगता है? वो तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं।
अच्छा चलो जाओ, आप काम करने दो। बस एक बात, आखिरी बात, वो डॉक्टर अरसलान से जरा हमारी सिफारिश तो कर दो कि हमसे भी अच्छी तरह से बात कर लिया करें। तुम दोनों क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हो बेवकूफ कहीं की? चलो काम करो ना। बिनेश, तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती हमारा यार, इंसान ही इंसान के काम आता है। हेलो। हाँ मैं भी तुमसे मिलना चाह रही थी। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। क्या हो गया है? अब आई गई हो तो बात कर लेते हैं, बैठो। समझा, क्या समझाना चाहती हो? मैं ये नहीं कहती कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो इमरान। तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी मुझसे भी अच्छी। प्लीज तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो समझा तुम मेरी बात मान ली। मैं नहीं मान सकती। क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि मेरी एक माँ है, एक छोटी बहन है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं शादी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। कोई डॉक्टर तो पसंद नहीं है ना तुम्हें? फजूल बातें मत करो, मेरे घर को मेरी जरूरत है। अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी छोटी बहन किरण, वो तो शायद कभी नर्स भी ना बन सके। तो तुम उनकी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर लोगे? किसी भी रिश्ते के लिए कुर्बानी देना जरूरी होती है। अगर कोई ऐसा ना करे तो फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह जाता है? सही कहा तुमने, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कितनी अकेली हो, इस तरह तन्हा रह जाओगी, तुमने कभी अपने बारे में सोचा? सोचा, बहुत सोचा, लेकिन कुर्बानी देते हुए इंसान अपना बुरा या भला नहीं सोचता। इसीलिए तुम मुझ पे एक एहसान करो, मेरे मकसद के रास्ते में मत आओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। और एक बात और, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। चलती हूँ अब मैं। से मिलके निकल ही रही थी, हॉस्पिटल से इमरजेंसी की कॉल आ गई, फिर मुझे फौरन यहाँ पे आना पड़ा। अम्मी यहाँ पे काफी। अच्छा, क्या कहा इमरान ने? मान गया वो? जी अम्मी, मुझे लगता है उसे समझ में आ गया। उसे समझना ही होगा बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। यार तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में बुलाया जा रहा है। और हाँ रुको, वो तुम्हारी अम्मी के भी कई बार कॉल आ चुकी है, उन्हें भी फोन कर लो। किरण टीवी बंद करो, अम्मी को आराम करने दो। अम्मी आपके लिए मैं खाना ला रही हूँ, आपने दवाई खानी है। Thank you.
जाइए। डॉक्टर साहब आपने बुलाया मुझे? बैठिए। मिस विनिश आपकी काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। सर मेरी? जी दिखने में तो आप काम कर रही होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ध्यान शायद कहीं और ही होता है। अब उस दिन ऑपरेशन थिएटर में आपने कितनी सारी गलतियां की, बज़ाहिर तो आप वहां मौजूद थी लेकिन मुझे लग रहा था शायद आप ज़हनी तौर पे कहीं और ही थी। मिस बीनिश क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर अगर ऐसा है तो मैं माफी मांगती हूँ, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए मिस बीनिश, हम सब लोग अंदर से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ हमारा जिन लोगों से वास्ता पड़ता है ना, शायद वो हमसे भी ज्यादा परेशान होते हैं। अब अगर हम खुद परेशान होंगे तो हम उनकी परेशानी कैसे दूर करेंगे? इसलिए कोशिश किया करें कि आने से पहले अपनी परेशानी घर छोड़कर आए। आप समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। गुड। अब ये बेकार जिंदगी और तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के काम आ सकती है तो अच्छा और क्या है? इमरान कितना बड़ा और अच्छा दिल है तुम्हारे पास, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। वैसे अगर आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। चले कोई बात नहीं, अगर आप शेयर नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। सर इजाजत है मुझे? जी आप जा सकते हैं। एंड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। यस सर। क्या कहा डॉक्टर अरसलान ने? कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। मैंने कहा ना कुछ नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हो? हम जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। क्या क्या जानती हो तुम? वही जो सब कहते हैं, सबकी नजर में है। क्या है सबकी नजर में? मोहब्बत करते हैं डॉक्टर अरसलान तुमसे और यही सब बातें करते हैं। क्या हर वक्त फजूल किस्म की बातें करती रहती हो तुम दोनों? आज के बाद अगर कोई भी फजूल बात की मुझसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे इसे क्या हुआ? रुको बीनिश, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे हसीयत दे रही हूँ, मान क्यों नहीं जाती तुम? बस अब और कुछ नहीं। देखा है मैंने तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी, तुम क्या समझी मैं तुम्हें छोड़कर चला गया? मैं यहीं था, उस दीवार के पीछे से तुम्हें देखता था, तुम रोज मुझे तलाश करती थी। क्या ये मोहब्बत नहीं? क्यों भाग रही? इंसान जितना मर्जी भागे मोहब्बत उसका पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हारी आंखों में वो सब कुछ है जो तुम जबान से नहीं कह पाती।
तुम भी सोचती होगी मैंने अपने बारे में कभी को तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। ये सब जो बताने जा रहा हूँ ये मैं उस दिन भी बता सकता था। मगर मैं अपनी मोहब्बत तुम्हारी आंखों में देखने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम कुछ अपने बारे में बताने वाले थे। वो भी बता दूंगा लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपनी अम्मी और बहन की वजह से जो परेशान रहती हो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिल बांट कर ये बोझ उठा लें। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। एक मेरी नानी थी जो पिछले साल अलामिया को प्यारी हो गई। अब ये बेकार जिंदगी और तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के काम आ सकती है तो इससे अच्छा और क्या है। इमरान कितना बड़ा और अच्छा दिल है तुम्हारे पास, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। के लिए बहुत तरस हूं मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं कुछ भी। कितना गलत सोचती थी मैं, दुनिया में इमरान जैसे लोग भी तो हैं जो दुखों को भी राहत में बदल देते हैं। मोहब्बत का दामन कितना वसी होता है, सारे दुख सारी परेशानियां अपने अंदर समेट लेता है। मेरी जिंदगी भी हसीन और खुशगवार हो सकती है, उस पर कुछ मेरा भी हक हो सकता है। हो सकता है तुम वाकई मेरे लिए भेजे गए। क्या तुम कुछ कर सकती हो? कौन है बेनेश? कोई नहीं अम्मी। हाँ तुम अंदर आओ, जल्दी आओ। ये कौन है बेनेश? अम्मी प्लीज इस वक्त आप अपने कमरे में चली जाए, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी। मेरी खातिर अम्मी प्लीज तुम अंदर जाओ। बैठो यहाँ पे। मैं आई। आ, ओ, ओ,
एक आदि मुजरिम इस इलाके में घुसा है, आपके यहाँ तो नहीं आया? नहीं नहीं, यहाँ नहीं आया। मुझे घर की तलाशी लेनी। अगर किसी ने आना था क्या? नहीं तो मैं देखती हूँ। एक आदि मुजरिम इस इलाके में घुसा है, आपके यहाँ तो नहीं आया? नहीं नहीं, यहाँ नहीं आया। आएगा तो पुलिस के हवाले जरूर करूंगी। मुझे घर की तलाशी लेनी। अच्छा, यानी आपने मेरी बात पर एतबार नहीं किया? सर्च वारंट है आपके पास? इन हालात में सर्च वारंट कैसे हो सकता? हाँ ठीक है, फिर ले लें आप तलाशी। अब कानून की मदद करना तो हर शहरी का फर्ज है। आइए। आपको तकलीफ दी उसके लिए माजरत। कानून से तावन के लिए शुक्रिया। ख्याल रखिए। अपनी बेटी की खातिर बस आज। पुलिस आई थी? हाँ। खैर तुम अब ज्यादा बातें मत करो, कुछ देर आराम कर लो, फिर तुम्हें यहां से निकलना। कर मुझे मैसेज जरूर करना। हाँ, तुम शाम को आओगी ना? पता समझ गई। मैं आऊंगी, बस तुम अब जल्दी से निकलो। इंतजार करो। नानी के मरने के बाद जैसे जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया, तो मुझे कुछ लड़के मिले जो
छोटे छोटे जुर्म करते थे अपनी जिंदगी चलाने के लिए। कई दिन भूखा रहा, क्या करता, कोई था ही नहीं, किसके पास जाता। फिर मैं भी उन लड़कों में शामिल हुआ और उसके बाद फिर मैंने तुम्हें देखा। ऐसे लगा जैसे जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया। लेकिन मैं जानता था कि जिस दिन मैं पुलिस के हाथ चढ़ा, उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा करना था जो जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही ना होता। तुम्हें और खुद को मुसीबतों से बचाने के लिए मैंने सोचा मैं दुबई चला जाऊं। कुछ अरसे बाद वापस आ जाऊं, जब हालात ठीक हो जाएं, हम शादी कर लें। लेकिन तकदीर ने मेरे इरादों को पूरा ही ना होने दिया। शायद ऊपर वाले को मंजूर ही नहीं था। छिने हुए पर्स को हमने वहीं फेंक दिया, लेकिन पुलिस वालों ने हमारा पीछा ना छोड़ा। तो क्या मैंने एक डाकू मुजरिम से मोहब्बत की? ऐसे मत कहो बीनेश, ना मैं डाकू ना मुजरिम, बस एक हालात का सताया हुआ इंसान। और मैंने जो ख्वाब देखे थे वो तो अब कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं हो सकेंगे? उस 2-3 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाए तो सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वो कैसे? मैं उस पैसे से दुबई चला जाऊंगा। कुछ अरसे बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगा और हम एक साथ जिंदगी जिएंगे हमेशा के लिए। यकीन करो मेरा, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और ये पैसे आएंगे कहां से? मुझे यकीन है बिनेश, तुम पैसों का इंतजाम कर लोगी। इतने अरसे से जॉब कर रही हो, 2 लाख तो जरूर होंगे तुम्हारे पास। मेरा नाम नसरीन है। मुझे मालूम है, मगर जो मैं कहने वाली हूँ वो तुम नहीं जानती। मैं अपना एक दुख तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तीसरी बार बेटी की माँ बनने वाली हूँ। खुशी की बात है, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। मगर मेरे लिए खुशी की बात नहीं, मेरी सास और मेरा शौहर ये बात नहीं जानते। मैंने उसे झूठ बोला है कि मैं बेटे की माँ बनने वाली हूँ। इतना बड़ा झूठ आपने क्यों बोला? अगर मेरी बेटी पैदा हो गई तो मेरा शोहर दूसरी शादी कर लेगा। आप अपने शोहर को समझाइए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये तो सब अल्लाह की मर्जी होती है। ऐसी बातें वो कहां समझते हैं? वो तो बस अगर तुम चाहो तो मेरी बिगड़ी हुई तकदीर संवर सकती है।
इंसान अपने जैसे इंसानों का नसीब और तकदीर कैसे बदल सकता है, लेकिन फिर भी बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। अगर तुम किसी का बेटा लाकर मेरी झोली में डाल दो और मेरी बेटी वहां छोड़ दो प्लीज। नसरीन, किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? ये ना सिर्फ एक जुर्म बल्कि अल्लाह की नजर में भी इतना बड़ा गुनाह है। गलत इंतखाब किया आपने, इंसान किसी का नसीब नहीं बदल सकता। शौक से निभाने रिश्ते सबके संग संग में भूल बैठी दर्द है, मांगा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बस अहमियत, एक गुजार दे उमर चंद खुशियों की नजर है ये मेरा। दुख सुख के दरमियां। मुझे यकीन है बिनेश तुम पैसों का इंतजाम कर लोगी, इतने अरसे से जॉब कर रही हो, 2 लाख तो जरूर होंगे तुम्हारे पास। तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों क्यों इंतजार कर रही थी? मैंने सोचा शायद तुमने अपना फैसला बदल दिया होगा। मैं अपना फैसला बदलने नहीं आई, बल्कि आपसे ये कहने आई हूँ कि खुद को बचाने के लिए इतनी खुदगर्ज ना बने। अपनी बेटी को किसी और की झोली में डालकर शायद आप अपने शौहर को दूसरी शादी से तो रोक लें, लेकिन यह एहसास जुर्म आपको जिंदगी भर चैन से नहीं जीने देगा। नसीब बनाना तो खुदा का काम है, खुदा को करने दीजिए। किसी भी नर्स से उम्मीद मत लगाइए कि वो आपका नसीब बना सकेगी। रुको, देखो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए तक दे सकती हूँ। अच्छा 3 लाख रुपए? देखो 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है, प्लीज। रास्ते में मिलने वाले लड़के होते हैं, इनका क्या एतबार? दो 3 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाए तो सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मैं उस पैसे से दुबई चला जाऊंगा, कुछ अरसे बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगा और हम एक साथ जिंदगी जिएंगे। यकीन करो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दुख सुख के दरमियां, दुख सुख के दरमियां।